गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा असी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। बट बिफोर स्टार्टिंग एल्केन्स, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एल्केन्स, सब तो असी गल करांगे हाइड्रोकार्बन्स की। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? एज द नेम सुजेस्ट, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट? सो हाइड्रोकार्बन जोड़े है, एज द नेम सुजैसट, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है और बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स ने। इस अगर असं अगे गल करिए हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइड इंटू टू कैटागरीज, वन इज ए साइकलिक एंड साइकलिक एंड अनदर इज साइकलिक। सो ए साइकलिक का मतलब की है, जो साइकलिक नहीं है ओपन चेन है और साइकलिक ओबियसली क्लोज है। सो ओपन चेन के जो हाइड्रोकार्बन्स है, दे कैन बी फर्दर डिवाइड इंटू थ्री कैटागरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, एल्केन्स, एल्कीन एंड एल्काइन्स। सो एल्केन मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर ओपन चेन एंड दे कैन बी हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द कंपाउंड। Alkene means those hydrocarbons which are having at least one carbon double bond carbon, and similarly alkyne means hydrocarbons containing carbon triple bond. ठीक है, सो अगर आप मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें एल्केन का, CnH2n+2, मैं थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ क्योंकि तो ऑलरेडी तुम्हें स्टडी किया हुआ है। एल्कीन के विच फॉर्मूला इज CnH2n एंड एल्काइन मीन्स CnH2n-2। सो ये पता है तुम फॉर्मूला, एन मीनस इट कैन बी 1, 2, 3 एनी इंटीजर नंबर एंड हाइड्रोजन का नंबर 2n मीनस उसका डबल हो जाएगा। इतने डबल तो बाद 2 मोर और इतने डबल तो बाद 2 लैस। दैन कमिंग टू साइकलिक, साइकलिक दे विच अगेन साढ़े को दो कैटागरीज ने, एक है साढ़े को एली साइकलिक और एक है एरोमैटिक। ठीक है, एली साइकलिक जेडे है, अगर आप नेम तो ये देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एक्चुअली, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। सो एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन, सॉरी एलिफेटिक का हो गया एल्केन्स विच आर नॉट एरोमेटिक। सो दीज आर मेनली साइक्लो एल्केन्स, एल्केन्स है बट दीज आर साइक्लो एल्केन्स, ये ओपन चेन एल्केन्स है और ये साइक्लो एल्केन्स है। एंड दूसरे साढ़े को हो गए एरोमेटिक, जिस तरह की आप गल करते हैं बेंजीन दी, है ना, नेपथलीन दी। सो इस तरह हो गए एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लो एल्केन दिच यू कैन हैव साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। सो बिफोर, बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट एल्केन्स, सो लेट मी फोकस ऑन दिस एल्केन विच इज़ हैविंग कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स। ऑब्वियस है कार्बन का हाइड्रोजन जो बॉन्ड है दैट इज सिंगल बॉन्ड, बट इस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स भी सारे सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला इज CnH2n+2। एंड दीज एल्केन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिनस, तुम्हें नाम सुना है पैराफिन वैक्स। द पैराफिन जो वर्ड है ये लेटिन तो बनया है और पैरा का मतलब है लिटल वेरी स्मॉल, एफिन मतलब एफिनिटी। ठीक है, सो वेरी स्मॉल एफिनिटी, सो इसका मतलब की है कि जो कंपाउंड्स है बहुत ही घट रिएक्टिव है, इन्हों की किसी भी होर ग्रुप ऑफ एटम्स लिए या एटम लिए एफिनिटी या इंट्रैक्शन काफ़ी घट होंगी है। सो दैट्स वाई द नेम इज़ पैराफिन। सो नाउ कमिंग टू नोमेनक्लेचर, अगेन नोमेनक्लेचर यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल इन +1 लेवल, बट एक बार ब्रीफ तक मैं दस रही हूँ। एक तो होंगे कि कॉमन नेम, कुछ केस विच कुछ कंपाउंड से कॉमन नेम ही इन्ने कॉमन होंगे है कि वही असं ज़्यादातर यूज करते हैं, बट जो एक ऑथेंटिक नेम जो थ्रू आउट वर्ड जो चलता है दैट इज IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि नोमेनक्लेचर दिंदी है। ठीक है, सो इस दे विच तुसीं पढ़े हुए सारे ही IUPAC सिस्टम है कि लोंगेस्ट चेन लैनी है, नंबरिंग असी उस साइड तो करते हैं ताकि लोएसट सम ऑफ लोकेंट्स आवे, सब्सिट्यूएंट्स असी किस तरह करते हैं, सब्सिट्यूएंट्स की नंबरिंग किस तरह करते हैं एंड सो ऑन। कॉमन नेम्स मैं थोड़ा तुम दस देना चाहनी है कि थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज करते हैं आईसो न्यू दे विच, जिस तरह कि अगर सारी कार्बन कार्बन चेन जड़ी है ना लॉन्ग चेन है, ऑल द कार्बन एटम्स दे आर इन द स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट मतलब नहीं कि सीधी लाइन है, मीन्स इन कॉन्टीन्यूटी में दे विच ही है कार्बन कार्बन, तो इसमें अपन नॉर्मल एन वर्ड अगे लाने हैं, स्मॉल एन मीन्स नॉर्मल, दैन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हैक्स और
ਆਲ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੋਂਡਸ ਆ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਹੈਗਜ਼ੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਸੋ, ਸੋ ਆਈਸੋ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਥਾਈਲ ਬਟ ਇਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਚੇਨ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਚੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1, 2, 3, 4 ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੀਓ। ਸੋ ਨੀਓ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਕਾਰਬਨਸ ਆਰ ਅਗੇਨ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਨੀਓ ਹੈਗਜ਼ੇਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੋ ਨੋਰਮਲ, ਆਈਸੋ ਔਰ ਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬ ਇਹ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਮਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਜੂਪੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਸੈਮ ਆਫ ਲੋਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੇਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੇਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CnH2n+2 ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਚ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਟ ਇਸ ਨੋਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਲਕੇਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਂਡ, ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ C2H6 ਈਥੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ C2H5, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਈਥਾਈਲ, ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ ਮੀਥਾਈਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CH3CH2CH2। ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, 1, 2, 3, ਤੋ 1 ਬੋਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗਰੁੱਪ CH3CH3CH3, ਔਰ ਬੋਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਂਡ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਸੋ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਇਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਨਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਂਡ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਅਗਰ ਬਿਊਟੇਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, CH3CH2CH2CH3, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਬਿਊਟੇਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਰਮਲ ਬਿਊਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ A ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈ B ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਵਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ, ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ 2 ਕਾਰਬਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਓਨਲੀ 1 ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਬਿਊਟਾਈਲ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਿਊਟਾਈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ 1, 2, 3, 4 ਆਈਸੋ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋ ਬਿਊਟੇਨ। ਹੁਣ ਆਈਸੋ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਈਸੋ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਿਸ ਵਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਈਸੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਈਸੋ
ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चार कार्बन हैं, और अगर इन दे विचों टर्शरी कार्बन वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें देन इट विल बी, सो इतों कार्बन बॉन्ड बनाएगी और एक एड़ा बन गया साथ को टर्शरी कार्बन है, देन इट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सो अपने को ले अगर आइसोब्यूटेन तो स्टार्ट कर दें, वी विल गेट आइसोब्यूटाइल ग्रुप एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और अगर इसे नॉर्मल ब्यूटेन दिए दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें देन वी विल हैव नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सो सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल दे विच डिफरेंस है, यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, सो ये तो हो गया साढ़े को एल्केन की होंगी और एल्काइल की होंगे, और एल्काइल असं किमें नेमिंग करते हैं। दैन क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बन ये ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, सो क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन्स। सो एल्केन के कार्बन असी प्राइमरी कार्बन, सैकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वार्टरनरी कार्बन इस तरह डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कार्बन जी है जिसकी असं गल कर रहे हैं दैट इज़ अटैच टू हाउ मैनी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ये वाली एक एग्जाम्पल देव जिंद साढ़े को हर तरह की कार्बन आ जाएगी, सो लेट अस दिस कंपाउंड। अगर इस कार्बन देखिए इस देर इज ओनली वन कार्बन अटैच, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच टू वन टू थ्री कार्बन टर्शरी कार्बन, दिस अगेन प्राइमरी, दिस कार्बन इज अटैच टू टू कार्बन एंड हेंस सेकेंडरी, दिस कार्बन इज अटैच टू फोर कार्बन सो दिस इज क्वार्टरनरी कार्बन एंड सिमिलरली दीज आर प्राइमरी कार्बन। सो इन दिस सिंगल कंपाउंड वी कैन हैव वैरायटी ऑफ कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन। इसी तरह असी हाइड्रोजन भी नेम कर सकते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर अटैच है असी उस तरह उसकी नेमिंग करते हैं, जिस तरह कि वाली हाइड्रोजन जी दे आर प्राइमरी हाइड्रोजन, दिस इज टर्शरी हाइड्रोजन अटैच टू टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, बट इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर विल बी नो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज क्वार्टरनरी कार्बन हैज़ ऑलरेडी इट्स फोर बॉन्ड्स कंप्लीटेड बाई फोर कार्बन, सो देयर इज नो स्पेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा सारा तुम। दैन कमिंग टू स्ट्रक्चर पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, जिस तरह आप अगे भी क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगर एक कार्बन जो है दैट इज़ अटैच टू फोर सिंगल बॉन्ड्स एज इन केस ऑफ एल्केन वेदर इट इज़ विद कार्बन और हाइड्रोजन, सो सच कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट मीन्स इट विल गिव राइज टू फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो अगेन ये आप बहुत डिटेल्स पढ़ चुके हैं, जो चार ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों विच s करैक्टर और p करैक्टर जो है वह सेम होएगा, एनर्जी भी सेम होएगी, उन्होंने शेप भी सेम होएगी और साइज भी सेम होएगा, एंड बिकॉज कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6 सो आउटरमोस्ट शेल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, सो ईच ऑर्बिटल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन विच कैन मेक बॉन्ड आइदर विद हाइड्रोजन और सम अदर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एंड सो ऑन, सो इट मीन्स कार्बन इज अटैच टू 4 एटम्स और 4 ग्रुप ऑफ एटम्स थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इन दिस केस बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री एंड 28 मिनट। सो अगर असी इसकी शेप देखिए, ये तो है ज्योमेट्री, सॉरी स्ट्रक्चर, अगर आप ज्योमेट्री देखते हैं या शेप देखते हैं तो असी सारे नो एक डॉटेड लाइन के नाल, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब कि बॉन्ड्स नहीं है, जस्ट असी शेप रिकोगनाइज कर रहे हैं, तो इसनों असी इस तरीके नाल शेप बनाने हैं। सो दिस इज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, इसनों असी टेट्राहेड्रन कहने हैं, एंड at the center of tetrahedron there is a carbon which is attached to 4 hydrogens placed at the corners of this regular tetrahedron, so that is the structure and shape of the molecule. Coming to isomerism, isomerism tusi again padhya hoya hai, isomerism is a phenomenon बाई वर्च्यू ऑफ विच की कंपाउंड जिसका कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला है उस मॉलिकुलर फॉर्मूला के नाल असी कई स्ट्रक्चर का बना सकते हैं, कीपिंग इन माइंड वैलेंसीज एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं द ऑल दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस पढ़िया होया कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड वन इज
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म साडा डिटेल्ड एक पूरा चैप्टर है, नैक्सट सैक्शन में आप डिटेल में पढ़ांगे। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जोड़े असं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो अगर से एल्केन्स की गल करिए मीथेन ईथेन एंड प्रोपेन है ना, उन्होंने एक एक स्ट्रक्चर ही बन सकती है। सो देयर इज़ नो अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दीज कंपाउंड्स। बट इफ यू कम टू ब्यूटेन सो वी कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। वन इज दिस वन जिसनों सी एन ब्यूटेन कहने एंड सेकेंड इज और आप पहले ही पढ़ चुके हैं दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन। ठीक है एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन ये तो है कॉमन नेम बट तुसी आयुपैक नेम भी दे सकते हो। दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज कॉल्ड 1, 2, 3 नंबरिंग। चाहे इधरों नंबरिंग कर लो चाहे इस साइड तो नंबरिंग कर लो। मिथाइल ग्रुप विल हैव मिथाइल ग्रुप इज लोकेटेड एट सेकेंड कार्बन सो दिस इज कॉल्ड 2-methyl propane। ठीक है सो मॉलिकुलर फॉर्मूला इन बोथ केसेस C4H10। सो दीज टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला C4H10। सो एज वी मूव टू हायर मैंबर लाइक C5H12 तो उस 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन रहे हैं। सो वी मूव टू नेक्स्ट मैंबर तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो है दैट विल गो ऑन इनक्रीजिंग। ठीक है सो नाउ कमिंग टू सोर्सेज एल्केन के सोर्सेज की है। मेनली एल्केन जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम एक्चुअली बहुत तरह की एल्केन्स प्रेजेंट हुई हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोई फ्रैक्शन घट भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है बट मेनली C5 to C50 तक है ना हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। उस दे विच जिहड़े लोअर मैंबर्स है C5 C6 वाले वह तो होंगे गैसिज होंगे ने बट अगर आप C50 की भी गल कर रहे हैं या इस तो लोअर मैंबर्स की गल कर रहे हैं दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड तो जिन्होंने आप वैक्स कहने है ना। पेट्रोलियम की जो असी रिफाइनिंग करते हैं तो साढ़े को पेट्रोल आता है जो कि असं वहीकल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। सो पेट्रोल और पेट्रोलियम डिफरेंस की है पेट्रोलियम जो है वो क्रूड प्रोडक्ट है जोड़ा कि असी निकालते हैं अर्थ के और पेट्रोल उनका एक रिफाइंड प्रोडक्ट है जिंद कई फ्रैक्शन असी रिमूव कर दें। सो C5 to C50 तक है कुछ फ्रैक्शन असं अलग अलग रिमूव करते रहने उन्होंने साढ़े को कैरोसिन ऑयल डीजल पेट्रोल पैराफिन वैक्स सो कोल टार है ना ये सारा कुछ निकलता है। ठीक है सो मेन जोड़ा इनका है वो है साढ़े को पेट्रोलियम और जी नैचुरल गैस है बेटा वो होंगी है मीथेन। अगर आप देखिए तो मीथेन आ गई है। सो दीज आर मेन नैचुरल रिसोर्सिज ऑफ दिस एल्केन्स बट लैबोरेटरी असं किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं वी आर हैविंग डिफरेंट मैथड्स विच वी विल डिस्कस इन आर नैक्सट लैक्चर। सो होप तुहानू समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी बेटा यू कैन आस्क मी और यू कैन पुट दैट क्वेरी इन द वट्सएप ग्रुप और इन गूगल क्लासरूम ताकि आप उस क्वेरी नू सॉल्व कर सकिए। सो हैव ए गुड डे।